अनाज मंडी पागो माजरा कुराली अते मोरिंडा विखे बारदाने की कमी दे चलदिया किसानां दे वल्लों बारदाना देण दी मंग नूं लै के रोपड़ चंडीगढ़ मार्ग ते पिंड बन माजरा दे कोल किसानां वल्लों सड़क जाम लगाया गया। इस मौके किसानां ने रोस जाहिर करदिया कहा कि सरकार दे वल्लों सारे प्रबंध मुकम्मल किते जाण दा दावा किता जा रहा है। अनाज मंडी पागो माजरा कुराली अते मोरिंडा विखे बारदाने दी भारी कमी देखण नूं मिल रही है, जिस दा किसानां दी फसल नहीं चुकी जा रही। किसानां ने कहा कि जेकर उन्हां नूं बारदाना नहीं मुहैया करवाया गया तां आस पास दे इलाके दीआं लिंक सड़कां भी बंद कर दित्तियां जाणगियां। मेरा नाम सुखदीप सिंह पिंड पपराली जी। अज जिहड़ा इत्थे बन मजरा रोड ते मेन रोड ते धरना लाया, इहदे विच मेन जिहड़ियां मंडियां तीन भागो माजरा कुराली ते मरंडा दीआं मंडियां तों किसान पहुंचे हुए हैं। जिहड़ी मेन प्रॉब्लम है इह अज वारदाने की प्रॉब्लम है जी। वारदाने की घाट करके किसानां नूं मंडियां दे विच तीन तीन चार चार दिनों तो लगातार बैठे हैं, जिन्हां दा हले भी वारदाने की घाट करके मंडियां दे विच जिहड़ा अनाज है वह नहीं भरिया जी। तो कल असीं 11 बजे मार्केट कमेटी कराली गए थे जी। उत्थे असीं उन्हां दे जिहड़े मुलाजम साहबान थे उन्हां नूं मिले, उन्होंने सानू DFSO जिहड़ा डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई ऑफिसर था उहदा नंबर दिता गुरिंदर सिंह। असीं उन्हां नाल संपर्क करिया, असीं उन्हां नूं पुछिया भी इस तरह करके प्रॉब्लम आई है जी, असीं मंडी दे विच पहुंचे हुए हैं, भी तुसीं इस बारे क्या कहना चाहुंदे हैं। वो कहिंदे जी असीं 3:30 बजे दे गेट च मंडी च आउणा है, भी असीं आ के तुहाडी गल सुणदे हैं और इस समस्या का हल करदे हैं। बस चलो असीं 3:30 बजे तक उन्हां दी वेट करी, नहीं असीं मंडी दे विच कल भी घूम ले ते असीं सारी मंडी दे विच भी जे अपना मसला नहीं हल हुंदा तां कल 4 बजे साडा टाइम रख्या था ये रोड रोकण दा। वो आए 3:30 बजे, सानू उन्होंने विश्वास दवाया कि थोड़ा अज शाम तक मंडी दे विच पूरा बारदाना पहुँच जूगा, और उन्होंने इतों तक भी कहा आने वाले 2 दिनों चाड़ती हाथ बनणगे भी सानू बारदाना नहीं चाहिए, पर अज सवेर तक कोई बारदाना नहीं पहुँचा। तो सानू ये स्टैप चुकना पिया है। एक आए थे जी, वो वेयर हाउस वाले आए थे, वो कहिंदे साडा बारदाना पहुँच रहा है। असीं कहा साडे नाल तां वादा करके जायो जी, जे पहुँच गया पहुँच रहा तो सानू कल दे कह रहे हैं। पूरे 4 जिहड़ियां कंपनियां वो खरीद रही हैं जी, पनग्रेन वाले हैं, पंसप वाले हैं, वेयर हाउस ते मार्क पैडा, जिन्हां दे विचों 2 कंपनियां दा बारदाना हैगा तो वह भी कल तक खत्म हो गया। हुण मार्क पैड ते जिहड़े पनग्रेन वाले हैं इन्हां दा बारदाना नहीं हैगा बिल्कुल जी। वेयर हाउस वाले कहिंदे साडे कोल बारदाना हैगा, साडे कोल स्पेस नहीं हैगी रखण वास्ते। अज कहिंदे असीं स्पेस भी ले ली, पर हले तक साडा कोई मसला हल नहीं होया, कोई उहनां नाल ठोस गल नहीं जी होई हैगी। अगला स्टैप असीं हुण बैठे हाँ जी, जद तक साडी कोई मंग नहीं मानते। बाकी जिहड़ियां असीं पिंडां वालियां लोकल रोडां जिन्हां 'चों ट्रैफिक जा रही थी असीं शाम तक वह भी बंद कर देणी, असीं टोटली बंद कर देना जी उरे लंघण आउणा। रविंदर सिंह है जी, तो असीं कहना चाहते हैं यही सरकार नूं कि साडा जिहड़ा कणक अगे 1 तरीक तों चक हुंदी सीगी, इस बार तुसीं 10 तरीक दित्ती है तो फिर भी थोड़ा बारदाना नहीं पहुँचा, ये थोड़ी नलायकी है। क्योंकि कोई भी आपां प्रोग्राम रखदे आपां देखदे हां इस तरीक नूं अपना प्रोग्राम, उस तो पहलां आपां प्रबंध करदे हां, इन्हां तों फिर भी वह प्रबंध नहीं करिया जा सकिया हुण तक। तुसीं हिसाब लाओ कि कोई जे एक मुलाजम ड्यूटी करता तो 1 महीने बाद तनखाह नहीं मिलती तो वह अपने खर्चे कित्थों करेगा। ये जिमीदारां दी फसल तां फिर भी 6 महीने बाद आउंदी है, देखो तुसीं आइडिया लाओ भी 6 महीने बाद खर्चे निकलने हैं, पैसे आने हैं, तो लोगों की कोई किसी लेन देना कुछ भी हैगा है तो वह क्लीयर होना है। पर हुण ये साडियां कणकां ही नहीं चक रही सरकार 6 महीने बाद भी, जबकि इन्हों पहला प्रबंध करना चाहिए सीगा। हुण कच्चियां मंडियां है कराली दे विच, देखो तुसीं जाके तो कणक मिट्टी दे विच पई है, जे मीह पै जांदा मौसम खराब है अज तां की बनू कणक दा, किसानों का की हल होगा। ये गल है भी तुसीं सरकारां नूं सोचना चाहिए दे बारे, तां करके रोड दे उत्ते बंद करन बैठे हैं। इत्थे असीं लोगों नूं परेशान करना नहीं चाहुंदे, पर फिर भी असीं आप खुद परेशान है, तां करके सानूं उरे जाम लाउणे पैंदे हैं, तां कि जो अन्नी बोली जिहड़ी सरकार है इहदी अक्खां खुल सकण, ये अपने जिहड़े इन्हां दे कम्म उह कर सकण अपने। अज दे धरने का मकसद यही है कि बड़ा एमरजेंसी अकाल थी किसानां जथेबंदियां दी, सारिया
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਆ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਰਿਹਾ, ਕਣਕ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਕਦੇ ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਔਰ ਉਰੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ DM ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਦਾਨਾ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਾਰਦਾਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਾਰਦਾਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਰਦਾਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕਣਾ। DM ਸਰ ਆਏ ਸੀ ਹੁਣੇ, ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਗ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਿਆ ਵਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਕਿਆ ਸਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।